नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लैब टेक्नीशियन अड्डा में मेरा नाम है दिनेश कुमार, और आज जो है मैं आपको जो है ऑटोक्लेव के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ऑटोक्लेव में जो है हम स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, है ना। तो ऑटोक्लेव जो होता है मोस्ट स्टरलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि हॉट एयर वन का जो है मैंने आपको क्लास दे दिया था। तो आज जो है हम देखेंगे कि ऑटोक्लेव से हम स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, मोस्ट स्टरलाइजेशन होता है। तो इसमें जो थ्योरिकल पार्ट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी जो है बहुत जो है लंबा है इसका क्लास, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, तो उसी के जो है उसी तरह जो है ये भी ऑटोक्लेव की मशीन होती है। तो इसमें होता क्या है, जो हम पानी रख करके जो है जो उसको बॉयल करते हैं, तो है ना, तो बॉयल करते हैं तो क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या, दो चीजें होता है इसमें, प्रेशर डेवलप होता है और उसको हीट करते हो आप, तो इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया वायरस या फंगस या अलग अलग प्रकार के या पैरासाइट्स हो गए, तो इनके जो स्पोर्स होते हैं, है ना, तो ये तो मरते हैं, इसके साथ साथ इनके स्पोर्स भी जो है इसके द्वारा किल होते हैं या मरते हैं। तो हम जो भी आर्टिकल को जो है हमें लगता है कि इन्फेक्टेड है या उसको स्टरलाइज करना है, इन सब चीज़ों से, बैक्टीरिया या वायरस या फंगस से जो है उनको फ्री करना है, तो हम क्या करते हैं, बेटर होता है हॉट एयर ओवन से अच्छा जो होता है कौन सा, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन या फिर ऑटोक्लेव के थ्रू जो है हम स्टरलाइजेशन करते हैं, है ना। तो दोस्तों आज जो है मैं आपको जो है स्टरलाइजेशन का जो है मॉइस्ट स्टरलाइजेशन का पार्ट जो है ऑटोक्लेव में कैसे करते हैं वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और प्रैक्टिकली जो है दिखाने जा रहा हूँ ऑटोक्लेव मशीन के बारे में, अलग अलग पार्ट्स और उसको जो है कैसे हम ऑपरेट करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऑटोक्लेव को जो हम कैसे ऑपरेट करते हैं और उसके में जो है कैसे स्टरलाइजेशन। दोस्तों आज जो है मैं आपको जो है ऑटोक्लेव का ये प्रैक्टिकल पार्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ऑटोक्लेव की मशीन रखी है, जैसा कि आप ऊपर से देख रहे होंगे, है ना। तो इसमें जो है मैं बेस ये जो है मेटल का जो है पूरा, है ना, तो ऑटोक्लेव जो है पूरा कुकर की तरह आपको जो है दिख रहा होगा। उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है ना कैरी करने के लिए जो है ये हमारे पास रखा हुआ है हैंडल इसका, है ना। तो इस तरीके से कैरी करके इसको एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है पावर सप्लाई आपको दिख रहा है ना, तो इससे जो है पावर सप्लाई जो है हम वहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद जो है ये ऑटोक्लेव का जो है, जब आप ऊपर का हिस्सा देखते हैं तो इसमें अलग अलग जो है वाल्व लगे हुए हैं, है ना। तो ये स्टॉप कुक वाल्व लगा हुआ है, फिर ये सेफ्टी जो है डबल सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर स्टीम जो है रिलीज का जो है ये लगा हुआ है, इस तरीके से यहाँ से स्टीम रिलीज हम कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रेशर गेज लगा हुआ है, इससे जो है प्रेशर आप देख रहा होगा अलग अलग प्रेशर, 0 से लेकर 0.5 है, उसके बाद 10 है, फिर 50 है ना। तो उसके बाद जो है ये अलग अलग जो है इसमें प्रेशर के जो है रखा हुआ है। अब जो है इसमें जो है हम इसको खोल के देखते हैं, है ना। तो ये जो है पूरा जो है अलग अलग जो है, अब इसको ऐसे इस तरीके से जो है सेट करते हैं, और उसके बाद जो है ये क्या है, क्लैंप लगे हैं हमारे, है ना, टाइट करने के लिए इसको। तो हम खोल के अंदर जो है इसका दिखा देते हैं कैसा है। तो इस तरीके से जो आप अंदर का ये जो पूरा चैम्बर देख रहे होगे, है ना, बहुत ही थिक है, आप आसानी से देख सकते हैं इसकी थिकनेस, है ना। तो इस तरीके से बहुत ही मोटा जो है ये बना हुआ है मेटल का। उसके बाद जो है अंदर का पार्ट जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो कॉयल इधर से अटैच है ना, ये जो सर्किट हमारा था यहाँ से, है ना, ये जो अटैच है यहाँ से इलेक्ट्रिकली, इसमें जो है कॉयल लगा हुआ है, ये जो आपको कॉयल दिख रहा होगा, इससे जो है क्या है, जब हम पानी जो है पानी का लेवल जो हम कहाँ तक रखते हैं, ये जो ट्राईपोड स्टैंड आपको दिख रहा होगा, है ना, तो पूरा ये स्टैंड है ट्राईपोड, जिसके ऊपर जो है हम बास्केट रखेंगे और जो भी हमें एलिमेंट जो है स्टरलाइज करना है उसको जो है हम उसमें रख देंगे। पानी का लेवल जो है हम यहाँ तक रखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, है ना, निशान यहाँ तक, पानी का लेवल यहाँ तक हम भर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ट्राईपोड स्टैंड, और हमारे पास जो है ये जो रखा हुआ है ना बास्केट अलग से आता है वो भी, इसमें जो है कोई भी चीज जैसे हमें स्टरलाइज करना है, मैं आपको जो है कोई भी चीज आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो है स्टरलाइज जिस भी, तो ये जो है इसमें हम कोई भी चीज को जो है रख देंगे, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी में हम किस चीज को स्टरलाइज करते हैं, जैसे कि मीडिया जो होता है हमारे पास, है ना, कल्चर मीडिया वगैरह, तो उसको जो है हम इसमें जो है स्टरलाइज कर लेते हैं, और जो भी अलग अलग जो है। तो इसमें क्या है, ये आपको थ्योरिकल पार्ट में हम जो बता देंगे, जो इस तरीके से आप इसके ऊपर रख दीजिए इस तरीके से, और इसको जो है क्या है ऊपर से जो है हम इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं इस तरीके से, है ना। अब इसमें क्या है, ये जो है अलग अलग जो है क्लैंप लगे हुए हैं, तो क्लैंप को जो है हम क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। अभी इसमें पूरा क्लैंप हमने लगा कर रखा नहीं है, है ना, तो अभी प्रैक्टिकली इसको यूज किया नहीं। तो इस तरीके से जो है, तो ये इनको अच्छे से जो है हमें क्या करना है, टाइट करना है क्लैंप जो है पूरे, है ना। तो इसमें जैसे कि अलग अलग आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से हम टाइट करने के बाद ये पूरा जो है ना, टाइट करने के बाद इसको क्या कर देते हैं, जो सर्किट हमारा लगा हुआ है उधर से जो है हम स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद जो इसको
क्या करेंगे, चालू हो जाएगा तो हमें जो है यहाँ पर प्रेशर जो है, जितना प्रेशर डेवलप होगा वो प्रेशर जो है हमें यहाँ पर शो कर देगा, है ना। जब प्रेशर शो करेगा उसके बाद जो है सीटी बजेगा जैसे कुकर की तरह, ये आप दिख रहा होगा, है ना, इस पूरा कुकर की तरह है। उसके बाद जो है आफ्टर 15 या 20 मिनट के बाद जो है जितना प्रेशर यहाँ डेवलप होता है, उसके बाद जो है जब ये स्टरलाइज का पूरा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद जो है जब पूरा स्टीम हम बाहर निकल जाता है, फिर इसको जो है बंद करके जो है हम क्या करते हैं, ठंडा होने के बाद जो है इसको आसानी से खोल करके निकाल देते हैं। इतना जो है प्रोसेस जो है स्टरलाइजेशन का है ना। तो ये जो है हमारा ऑटोक्लेव का पार्ट था। तो ये जो है पूरा आपको मशीन मैंने आपको दिखा दिया, कौन कौन से पार्ट जो है इसमें यूज होते हैं और कैसे जो है इसको यूज करते हैं। दोस्तों ये जो है मैं आपको वीडियो क्लिप जो है दिया है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ये कल्चर मीडिया को जो है हम माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में जो है कल्चर मीडिया को जो है स्टरलाइजेशन करते हैं। कल्चर मीडिया को तो स्टरलाइज कैसे करते हैं, इस तरीके से जो है हमने अच्छे से जो है इनको रख दिया, जो भी आर्टिकल्स हैं हमारे पास उनको स्टरलाइज करना है, तो इस तरीके से हमने व्यवस्थित तरीके से जो है इनको बास्केट के ऊपर रखा। और उसके बाद जो है रखने के बाद जो है कवर हमने अच्छे से जो है लगाना है, उसके बाद जितने क्लैंप हैं अच्छे से उनको टाइट करना है ना। उसके बाद जो है टाइट करने के बाद जो है अच्छे से चेक करना है उनको, है ना, कि पूरे क्लैंप जो है हमारे अच्छे से टाइट हैं या नहीं हैं, है ना। तो पैरेलल सामने आमने सामने का जो क्लैंप हमें क्या करना है, बराबर जो है अच्छे से टाइट करना है इनको, है ना दोस्तों। उसके बाद जो है जब ये टाइट हो जाते हैं फिर हमें क्या करना है, इसका जो है पावर जो है हम लगाते हैं, उसको जो है क्या करना है, ऑन करना है इस तरीके से। स्विच ऑन करने के बाद जो है हम देखेंगे कि इसमें जो है प्रेशर गेज जो लगा हुआ है ना, तो ज़्यादातर जो है हम क्या है 15 तक जो है प्रेशर आने आता है, उसके बाद जो है ये सीटी जो है बचता है ना। तो ये 15 तक आपको दिख रहा होगा, है ना, इस तरीके से सीटी बच गया कुकर की तरह, है ना दोस्तों। तो ये जो है उसके बाद ठंडा होने के बाद जो है हम इसको ओपन करके निकाल देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपको कैसे लगा, आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को।